रसूलपुर रोड स्थित ग्रीनवेल स्कूल में बुधवार को 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का जोरदार स्वागत किया गया। सभी टॉपर्स का स्वागत कार्यक्रम इतना जोरदार था कि जब टॉपर्स ने पंडाल में अपनी एंट्री की तो ऊपर से हुई फूलों की बरसात में उपस्थित स्टूडेंट्स को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। टॉपर्स पर फूलों की बारिश होती रही और स्टूडेंट्स काफी देर तक तालियां बजाते रहे। बच्चों को मिठाई खिलाकर और मालाएं पहनकर स्वागत किया गया। सीबीएसई के 10वीं के सबसे सफल छात्र यमन तेवतिया सुपुत्र श्री सतबीर सिंह ने 98.8% अंक लेकर सबसे अव्वल स्थान पाया। अभिषेक ने 93.8%, भीम सिंह और बिंदिया ने 93%, सुकरचा ने 92.8%, आशा ने 89.8%, मुकिल पहिल ने 87.4%, अंजलि ने 84.8% तथा कौशल ने 81.7% अंक प्राप्त कर मेरिट में स्थान हासिल किया। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड में रश्मि पुत्री श्री अमित कुमार ने 91.8% अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंजलि पुत्री पदम सिंह ने 88.6% अंक लेकर दूसरा स्थान लिया। ललिता पुत्री देवेंद्र सिंह ने 82.8% अंक लेकर तृतीय स्थान लिया। 12वीं कक्षा में रविंद्र पुत्र रणवीर सिंह ने 86.2% अंक लेकर प्रथम स्थान लिया है। ज्योति पुत्री राजकुमार ने 81.4% लेकर दूसरा और मधु पुत्री सबरजीत ने 80% अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। 81% कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी। स्कूल के अलावा है? अच्छा, घर में कितने भाई बहन? हम 3 भाई बहन हैं, मेरे से 2 छोटे हैं। 2 छोटे, अच्छा, यानी कि बड़े आप हो। एक भाई और एक बहन। हाँ। चलिए, आप 12th पास आउट किया तो बच्चों की, छोटे भाइयों की जिम्मेवारी, बहन भाई की जिम्मेवारी आपकी हो गई है। घर में मम्मी पापा आपको घर के काम के लिए कहते थे, जैसे मम्मी या किचन के लिए कहती हूँ? नहीं, वो फोर्स नहीं करते थे, लेकिन मैं उनकी मदद करती थी। मदद करते थे। सोशल मीडिया में एक्टिव रहे आप? सोशल मीडिया मैंने कभी वैसे यूज़ नहीं की, लेकिन पढ़ाई के पर्पस के लिए मैंने एग्जाम टाइम में यूज़ की थी, और बीच में जब भी यूज़ किए तो एग्जाम पर्पस के लिए किए। अच्छा, अब जैसे स्कूल की लाइफ थी, आगे जाके आपकी चेंज होगी लाइफ, कॉलेज लाइफ होगी, बहुत अंतर आएगा। स्कूल में तो आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ता था, टीचर्स कभी कभी डांट भी देते होंगे अनुशासन में रहने के लिए, कॉलेज लाइफ बिल्कुल चेंज होगी, कैसे मैनेज करोगे? वो तो टीचर्स ने जो सिखाया है कि कैसे मैनेज करना है, हमारे स्कूल का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने हमें ट्रेन किया हुआ है कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी। जो आपको सफलता मिली है, अच्छे मार्क्स आए हैं आपको, किसको श्रेय देना चाहेंगे स्कूल में? मैं, मेरी स्कूल की टीचर्स, मैनेजमेंट और मेरे पेरेंट्स। आगे जाके क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एक लेक्चरर बनना चाहती हूँ। 4 से 5 सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप? नहीं सर। पबजी खेलते हो क्या? नहीं। सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए मानते हैं, लेकिन पबजी एक गेम है, उससे दूर रहे आप? यस सर। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 5-6 घंटे कह रहे हैं, 7-8 घंटे कह रहे हैं? 4 से 5। 4 से 5 घंटे। आगे बनने, क्या बनने की वो है आपका तमन्ना? इंडियन आर्मी में लगना। इंडियन आर्मी में। और क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में, क्या कहेंगे आप? स्कूल, यही स्कूल हमारा बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ मेहनत करता है, जैसा बच्चे चाहेंगे ऐसा ही स्कूल वाली मैनेजमेंट करती है, उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। 8%। वेरी गुड, 96.8%। अब आगे क्या, कौन सी स्ट्रीम लेना चाह रहे हैं आप? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में जाएंगे। क्या, किसको सफलता देंगे आप? हमारे टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को और हमारे मैनेजमेंट को। स्कूल के अलावा घर में कितने घंटे आप पढ़ते थे? घर में 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप? कभी कभी एग्जाम टाइम के लिए बस, बस नहीं। अच्छा, बड़े होकर क्या बनने की तमन्ना है आपकी, क्या गोल कर रहे हैं आप? हैं इंजीनियर। इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी रुचि है आपकी? क्रिकेट में है। क्रिकेट कौन अच्छा लगता है आपको प्लेयर इस टीम इंडियन? एबी डिविलियर्स। अच्छा, एबी डिविलियर्स। साउथ अफ्रीकन। और इंडियन? इंडियन विराट कोहली। विराट कोहली। जब आपने स्कूल में सफलता हासिल की है, इसको कंटिन्यू करने के लिए आप कितने घंटे और मेहनत करेंगे? आप पहले 6 से 7 से, अब तो ज़्यादा ही करेंगे, पहले से ज़्यादा से करेंगे। स्कूल की तरफ से कोई एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह का भी प्रावधान है आपके लिए, क्योंकि बड़ी क्लासेज होती थी तो लगती थी, बिल्कुल वैसी नहीं। 10th तक तो आपके लगती थी? हाँ, लगती थी। अब क्योंकि बड़ी क्लासेज हैं 11th और 12th, जाहिर तौर पर बात है आपने सक्सेस हासिल किया है, तो और अधिक भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई के दौरान कोई स्ट्रेस हुआ आपको कभी? क्या नाम है आपका? रश्मि। रश्मि, आपने कौन सी क्लास पास किया है? 10th क्लास। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 91.8%। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे घर में? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। मम्मी के साथ हाथ बैठाते थे किचन वगैरह में? हाँ, जब मम्मी काम कहती थी तब काम करते। प्रेशर तो नहीं डालते थे? नहीं। अच्छा, अब आगे आ जाके क्या बनना है आपने? क्या? मैथ्स टीचर। मैथ टीचर बनना है। किसको श्रेय देंगे आपको सफलता मिली है? अपने स्कूल को, प्रिंसिपल सर को।
स्कूल शिक्षा सलाहकार राजवीर जाखड़ ने बच्चों की शानदार सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने स्टाफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि सचमुच उनकी मेहनत मेगावी छात्रों का रास्ता और आसान किया। क्या पोजीशन रही आपके स्कूल के? हमारे सभी बच्चे 100% रिजल्ट है हमारा, 12th का भी और 10th का भी। 12th में हमारी 90 से ऊपर 6 बच्चे हैं और बाकी 80 की रेंज में 10 बच्चे हैं और सभी बच्चे लगभग फर्स्ट डिवीजन से पास हैं। क्या मानते हैं कि इस आपकी जो सफलता है स्कूल की, जो बच्चे पास हुए हैं 100% आप कह रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? इसमें टीचर्स की मेहनत और बच्चों का पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं सभी बच्चे, तो मैं तो स्टाफ को और उनके बच्चों को और पेरेंट्स को सभी को इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपने बच्चों को टाइम दिया और उन्हें इस काबिल बनाया। इस अवसर पर ग्रीनवेल स्कूल के प्रधान नरेश जाखड़, चेयरमैन विनोद जाखड़ चांदहट, स्कूल के प्रिंसिपल तेजवीर सिंह सौरोत और पलवल स्कूल की प्रिंसिपल राजेश चौधरी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स की कसौटियों पर स्कूल खरा उतरा है। वहीं पेरेंट्स ने भी बताया कि स्कूल के टीचिंग स्टाफ की मेहनत से उनके बच्चों ने सफलता हासिल की है। मेरे बच्चे ने जी सर 83 मार्क्स लिए। क्या नाम है बेटे का? बच्चे का नाम है ज्योति घोषणा। अच्छा, छात्रा है? अच्छा, किसे श्रेय देना चाहेंगे आप इस स्कूल इस सफलता के लिए? सर कुछ तो बच्चे ने मेहनत की, कुछ जो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी सारे अच्छे हैं, आप उन्होंने भी मेहनत काफी की बच्चे। अच्छा, यानी कि आप स्कूल के कामकाज से, उनके पढ़ाई के स्तर से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। कोई स्कूल से कोई शिकायत? स्कूल है, कोई शिकायत नहीं है। कोई बच्चे के लिए जैसे कि कहते हैं कि दुखदाई कोई बात हो, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी बहुत अच्छे मतलब टीचर्स सारे भी, प्रिंसिपल सर भी अच्छे हैं, हर चीज में कोऑपरेट करते हैं, बच्चे की भी, पेरेंट्स की जो कोई बातें होती हैं उनको भी, तो मतलब काफी सपोर्ट बच्चों को उन्होंने किया। बिंदिया, कितने परसेंट मार्क्स लिए उन्होंने? 10th के अंदर 93%। 90, अच्छी बात है। इसके लिए श्रेय किसे देंगे आप जो 93% मार्क्स लिए? स्कूल को ही है सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में आप? स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर काफी मेहनती हैं, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, मतलब कि टोटली एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सारे स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए ही कोशिश करते रहते हैं और हमारी बिटिया को उन्होंने पूरी एक नींव दी है, उसी का ही रिजल्ट है कि वो 93% से मेरिट लेके आई है। ये रेट आप 10th को बता रहे हैं? हाँ जी, 10th का। तो 11th और 12th भी इसी स्कूल में करेगी? नहीं, एक्चुअली बच्ची का इंटरेस्ट जो है मेडिकल लाइन में है, तो उसके लिए हमने उसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया है। बाकी बेस इन्होंने ही बनाया उसका, जो भी है मेडिकल के लिए जो एक सोच डाली है वो यहाँ के टीचर्स ने ही डाली है, कि तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बिटिया डॉक्टर लाइन के लिए जाएगी, वो सोच ही नहीं की देना है। हाँ जी, आपका नाम? बबीता रानी। बबीता जी, आप स्कूल में आई हैं, आपकी जो लड़की है आरती, उसने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं? 78। जो स्कूल में उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, किसे श्रेय देंगे आप? सर उनके टीचरों को। टीचर्स को? तो घर का जो आपका एटमॉस्फेयर है, माहौल है, आप बच्चे को पढ़ाई के लिए, बिटिया को पढ़ाई के लिए किचन वगैरह के लिए काम करने के लिए बोलते थे क्या? नहीं सर, मेरी तो पढ़ाने की इसमें वो भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो प्रिंसिपल सर है उसकी वजह से मैं पढ़ा पाई, नहीं तो मेरी वो नहीं थी कि मैं स्कूल में डाल सकती। अच्छा, यानी कि आपकी मदद उन्होंने आर्थिक रूप से भी करी? मदद करी, पैसे वैसे में भी और वैसे भी। अच्छा, तो अब स्कूल का जो आपने सफलता का श्रेय दिया स्कूल को, स्कूल को ही जाता है? हाँ, स्कूल। कुछ स्कूल से और कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं। बच्चों को कभी डांटा हो इन्होंने? नहीं, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल के लिए? स्कूल बहुत ही अच्छा, और मैं उसमें कह तो रही हूँ कि मुझे पढ़ाने की बिल्कुल भी वो नहीं थी, पैसे से, सब चीज़ से, पढ़ाई से, सब टीचर की हेल्प की। तो आगे आपकी बच्ची की क्या, आगे चलकर क्या तमन्ना है उसकी, क्या बनना चाहती है वो? सर वो पुलिस में लगना चाहती है। सर ग्रीन में रिजल्ट स्कूल का रिजल्ट जो है 100% रहा है, इसके पीछे हमारे मैनेजमेंट की सोच और जो हमारे एजुकेशन एडवाइज़र हैं श्री राजवीर जाखड़, उनकी दूरदृष्टि बहुत कम आई है। उन्होंने हमें सलाह दी कैसे बच्चों को प्रिपेयर कराना है, उनके पेरेंट्स से टच में रहना है, क्योंकि आजकल कोई भी बच्चा जो सफलता प्राप्त करता है वो टीचर और पेरेंट्स मिलके ही उसको सफलता दिला सकते हैं। स्कूल की तरफ से आने वाले सेशन के लिए, जो सेशन चल रहा है इस समय, क्या आपकी तरफ से कोई योजना है? सर आने वाले सेशन के लिए हमने 3-4 बातों की बात नहीं की है, हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे हम 10th और 12th की स्पेशल,
और उनको जो है NDA CDS बाकी एग्जाम की तैयारी कराएंगे शाम को 2 घंटे, और स्पोर्ट्स के लिए भी जो हमने जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए स्पेशल कोचेज की व्यवस्था की है। जो अलग से जो लैब्स होती हैं जैसे कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, मैथ लैब है, तो उसके लिए क्या विशेष है आपकी तरफ से? सर लैब हमारी पहले भी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं है, पूरे साल बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है और तभी हमारे बच्चों के जो है अच्छे मार्क्स आए हैं। प्रैक्टिकल हम ज़्यादा कराते हैं ताकि बच्चों को रियल नॉलेज हो सके।